Ignited Minds Tutorials recently released a video covering the topic of law and social justice for Class 8 CBSE SST syllabus. This article aims to provide a brief understanding of the subject matter. The concept of law and social justice revolves around the fair and equal treatment of individuals in society, regardless of their race, gender, religion, or social status. It involves the legal system's role in ensuring that human rights are protected and everyone has access to justice. Students will learn about various laws and acts implemented in India to promote social justice, including the Dowry Prohibition Act, the Protection of Human Rights Act, and the Right to Information Act. They will also gain insight into the responsibilities of the state and judiciary in ensuring the implementation of these laws. The video will help students understand the importance of social justice in maintaining a democratic society. It will inspire students to take up activism or social work to contribute to creating a more equitable and fair society. In conclusion, learning about law and social justice is important for students as it helps them become informed, responsible citizens of India. Okay, people, we will start with this new chapter, people, law and social justice. ठीक है? So law and social justice, law basically क्या होता है? What is law? हर country को चलाने के लिए there is a basic set of rules. Every country basically runs on a basic set of rules. और इस rule का अगर आप उल्लंघन करते हैं, तो there is a punishment procedure for as well. ठीक है? और ये punishment आपको मिलना चाहिए या नहीं? ये कौन decide करेगा? जस्टिस सिस्टम डिसाइड करेगा. सो देयर अगर डेमोक्रेसी का हम देखेंगे, देयर आर थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड द पार्लियामेंट. ये हम लेजिस्लेचर जिसको बोलते हैं. ठीक है? सो वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉ एंड जस्टिस. सो वी आर स्पेसिफिकली रेफरिंग टू व्हाट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी? द जुडिशियरी पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है? जुडिशियरी पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. ये अंधा कानून मतलब क्यों है? कानून अंधा होता, कुछ देखता ही नहीं है. नहीं, अंधा कानून का मतलब क्या है कि कानून जो होगा वो सुनेगा, एविडेंस को देखेगा, लेकिन वो कौन है उसको नहीं देखेगा. समझ में आ रहा है? ये दिस बेसिकली मींस दैट जो जज होगा, ठीक है, वो सिर्फ एविडेंस को देखेगा और क्या पनिशमेंट है वो देखेगा एज पर लॉ और एग्जीक्यूट करेगा. जज ये नहीं देखेगा कि वो उसका रिश्तेदार है या कोई बड़ा ऑफिसर है या कोई पैसे वाला है, ये सब नहीं देखेगा. सो अनबायस्ड डिसीजंस होंगे. किसी भी जस्टिस सिस्टम का जो डिसीजन होगा वो अनबायस्ड होगा. आपको बहुत बार ऐसा लगता होगा ना कि टीचर उस स्टूडेंट के लिए पार्शियल है ना, ऐसा बहुत लगता, बायस्ड है. तो जस्टिस सिस्टम आपका बायस्ड या पार्शियल नहीं हो सकता. ठीक है? इट शुड बी अनबायस्ड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर वा पीपल वा. अरे ओ पीपल वा, सो डू यू रिकॉल द स्टोरी ऑफ अ शर्ट फ्रॉम योर क्लास 7th का बुक? ठीक है? सो देयर वाज सम स्टोरी आउट देयर. ओके, नाउ वी सॉ दैट देयर दैट अ चेन ऑफ सुपरमार्केट, दैट अ चेन ऑफ मार्केट्स links the producer of cotton to the buyer of the shirt in the supermarket. तो भाई साहब देखो, यहाँ पे कोई फार्मर है जो कॉटन को प्रोड्यूस कर रहा है. ये कॉटन भाई साहब प्रोसेस होकर कहां तक जा रहा है? मार्केट्स में जा रहा है और बिक रहा है वहां पे. ठीक है? फिर ऑफर्स मिल रहे हैं, फिर वो बाई कर रहा है. क्या ये समझ में आ रहा है? सो इट गोज थ्रू अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस एंड फाइनली इट रीचेस द कंज्यूमर. बाइंग एंड सेलिंग वॉज टेकिंग प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन. अभी देखो, यहाँ पे जो कॉटन बेचने वाला होगा वो गारमेंट मैन्युफैक्चरर को बेचेगा, तो वहां पे एक बाइंग एंड सेलिंग हो गई. गारमेंट मैन्युफैक्चरर शर्ट्स बनाकर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचेगा. किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने भाई साहब यू नो एक टाइप का ऑर्डर किया होगा, किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर ने किसी दूसरे टाइप का शर्ट ऑर्डर किया होगा, तो अलग अलग लोगों को वो बेचेगा अलग अलग. तो ये हर स्टेज में बाइंग एंड सेलिंग हो रही है. फिर इन डिस्ट्रीब्यूटर से किसी एक से कंज्यूमर उस चीज को खरीदेगा, अगेन बाइंग एंड सेलिंग इज हैपनिंग. सो बाइंग एंड सेलिंग और जो धंधा है, ठीक है, वॉज टेकिंग प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन. सो ऑलमोस्ट एट एवरी स्टेप यू सी बाइंग एंड सेलिंग दैट इज हैपनिंग. मेनी ऑफ द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द शर्ट. तो बहुत लोग इन्वॉल्व है, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द शर्ट. देर इज द स्मॉल फार्मर प्रोड्यूसिंग कॉटन. एक कोई स्मॉल फार्मर है जो बेसिकली क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कॉटन. ठीक है?
the weavers of Erode or the workers in the garment factory. Okay, just one moment, people. Okay, so there is a small farmer producing cotton, the weavers of Erode or the workers in the garment factory. So, a small farmer hai jo cotton basically produce kar raha hai, theek hai? Okay. Face exploitation or an unfair situation in the market, theek hai? There is a small farmer, ek bhai sahab koi small farmer hai aur iska bhai sahab exploitation ho raha hai, theek hai? Ek small farmer hai jo cotton produce karta hai, the weavers of Erode or the workers in the garment factory, kahin na kahin koi na koi exploitation face kar raha hai. या तो फार्मर या तो भाई साहब जो एक्सपोर्टर जो वर्कर है जो गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई ना कोई किसी रूप से इनके ऊपर शोषण हो रहा है, इनजस्टिस हो रही है, ठीक है, अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है इनके साथ, ठीक है. मार्केट्स एवरीवेयर टेंड टू बी एक्सप्लॉयटेटिव ऑफ पीपल वेदर एज वर्कर्स. हर जगह पे मार्केट में एक्सप्लॉयटेशन होता है, चाहे वो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो, चाहे वो कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो. कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन. वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो सकता है? भाई साहब बोला गया है कि 9 घंटे का काम है, तुमसे 12 घंटे का काम करवा रहे उसी पगार पे, ठीक है. हाँ, कम पगार देंगे, ठीक है, बहुत कम पगार दे रहे हैं, जो प्रॉमिस किया था उससे कम पगार दे रहे हैं, ये सब वर्कर्स के एक्सप्लॉयमेंट. और क्या हो गया भाई साहब, आपके जो एनवायरमेंट कंडीशन है वो बहुत खराब है, ठीक है. द कंडीशन ऑफ वर्किंग आर वेरी अनहाइजेनिक और वेरी हजार्डस और वेरी डेंजरस फॉर द वर्कर्स. ये हो गया वर्कर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन. हाउ अबाउट कंज्यूमर्स? कंज्यूमर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो सकता है? आपको सब स्टैंडर्ड मटेरियल बेचा गया, आपने कुछ और मंगाया और कुछ और आया, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा ऑनलाइन मार्केटिंग में ऐसा होता है, ठीक है. सब स्टैंडर्ड चीजों को अगर आपको बेचा जाए तो वो आपके साथ धोखाधड़ी हो गई, कंज्यूमर्स, ठीक है. ओके, देन वी हैव प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स भी आपके अगर सब स्टैंडर्ड हुए, ठीक है, एक्सप्लॉयटेटिव ऑफ द पीपल, प्रोड्यूसर्स आपके सब स्टैंडर्ड हो गए, ठीक है. प्रोड्यूसर्स का कॉटन बेचने का है तो सब स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर्स अगर बेचा, ठीक है, या इनके साथ कैसे एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है? इनसे जो माल खरीद रहे हैं उन्होंने बोला भाई साहब 160 रुपए देंगे हम, लेकिन दे रहे हैं 140, या उनका पैसा ठीक टाइम पे नहीं दे रहे हैं, ठीक है, रुका के रखा है पैसा, बहुत बाद में दे रहे हैं. तो ये सारी चीजें हैं भाई साहब, ठीक है. टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम सच एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है शोषण, द गवर्नमेंट मेक्स सर्टेन लॉज. सिर्फ बिजनेस में नहीं, बहुत सारी चीजों में गवर्नमेंट ने लॉज बना के रखे हैं ताकि लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो. दीज लॉज ट्राई टू इंश्योर दैट द अनफेयर प्रैक्टिसेस आर केप्ट एट मिनिमम इन द मार्केट्स. तो इन लॉज का भाई साहब मुख्यतर भूमिका क्या है? जो भी आपके अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, जो झोल झाल आप कर रहे हैं, वो मार्केट में मिनिमम हो, ठीक है, ना के बराबर हो. लेट अस टेक अ कॉमन मार्केट सिचुएशन वेयर द लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. दिस इज द इश्यू ऑफ वर्कर्स वेजेस. वर्कर्स वेजेस मतलब वर्कर्स को जो पगार मिलती है. प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, बिजनेस पर्सन नॉर्मली वॉन्ट टू मेक एज मच प्रॉफिट एज दे कैन. भाई साहब जिसने कंपनी डाली रहेगी, जिसने इंडस्ट्री डाली रहेगी, जिसने होलसेल का बिजनेस डालना लगा, उनका बेसिकली मकसद क्या है? ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएं. उनका ऑब्जेक्टिव मुनाफा है. उनको कौन मुनाफा कमा के दे रहा है उन पर उनका ध्यान कम रहता है और अक्सर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, ठीक है. सो इन द ड्राइव फॉर प्रॉफिट, ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में दे माइट डिनाई वर्कर्स देयर राइट्स एंड नॉट पे देम वेजेस, ठीक है. तो वर्कर्स को उनके राइट्स डिनाई करना या उनको वेजेस ना पे करना, इन द आईज ऑफ द लॉ इट इज इनलीगल और रॉन्ग टू डिनाई वर्कर्स देयर वेजेस. तो लॉ के तहत आप वर्कर्स को वेजेस डिनाई नहीं कर सकते. सिमिलर टू इंश्योर दैट वर्कर्स आर नॉट अंडर पेड और दे आर पेड फेयरली, देयर इज अ लॉ ऑफ मिनिमम वेजेस. तो एक लॉ होता है जिसको हम लॉ ऑफ मिनिमम वेजेस बोलते हैं, ताकि कम से कम पगार उनको मिले. जैसे आप अगर शहर में देखोगे तो मजदूरों का एक रेट होता है, ठीक है, मतलब 8 घंटे के काम का 1100 रुपए ऐसा कुछ रेट है, ठीक है. और अगर आप गांव में जाओगे तो वही चीज 600-700 रुपए होता है, अलग अलग जगहों पे होता है. ये आपका मिनिमम वेज हो गया, एक पर्टिकुलर काम करने का मिनिमम वेज, ठीक है. ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंपनी में आपको एक काम करने के लिए 25,000 मिल रहे हो और दूसरी कंपनी में वही काम करने के लिए 2,00,000 मिल रहे हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है. आप सलून में जाते होंगे, बाल कटाते होंगे, है ना, तो आपने देखा है वहां पे एक लिस्ट लगा हुआ है, बाल कटाने का कितना है, दाढ़ी बनाने का कितना है, ये सारे लिस्ट लगे हुए हैं. तो ये मिनिमम है जो आपको देना पड़ेगा, ठीक है. दैट इज हाउ इट इज, ठीक है. आप अगर भाई साहब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास भी एक लिस्ट लगी रहती है, वो मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित लिस्ट है, जिसमें आपका डॉक्टर का कंसल्टेशन चार्जेस कितना है,
ठीक है, मेडिसिन अगर दे रहा है तो कितना है, ये सारी चीजें चार्जेस हैं। अगर नेबुलाइजेशन दे रहा है वो तो कितना चार्जेस है, ठीक है, ये सारे आपके भाई साहब चार्जेस वहां पे लिखे होते हैं। ठीक है, अगर सलाइन चढ़ा रहा है तो कितने चार्जेस होंगे। सो दीज आर चार्जेस विच आर रिकमेंडेड, विच आर बेसिकली गिवन, तो ये मिनिमम है जो आपको देना पड़ेगा, दीज आर मिनिमम वेजेस। तो हर बिजनेस में आपका एक मिनिमम वेजेस होता है, ठीक है। अ वर्कर हैज टू बी पेड नॉट लेस देन द मिनिमम वेजेस बाय द एम्प्लॉयर। कोई भी आप अगर घर में आप कोई डोमेस्टिक सर्वेंट या मेड रखोगे तो उनका भी एक मिनिमम वेजेस होता है, ठीक है, आपके घर के साइज के हिसाब से वैसा वहां पे एक, और घर के मेंबर्स के हिसाब से उनका मिनिमम वेजेस होता है, तो उसके नीचे आप नहीं दे सकते उनको। सो अ वर्कर हैज टू बी पेड नॉट लेस देन द मिनिमम वेजेस बाय द एम्प्लॉयर। अ वर्कर भाई साहब मिनिमम वेजेस से कम नहीं पे कर सकते। द मिनिमम वेजेस आर रिवाइज्ड अपवर्ड्स एवरी फ्यू इयर्स। तो आपको जो मिनिमम वेजेस हैं वो बढ़ते रहते हैं हर साल, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते रहते हैं। द लॉ ऑन मिनिमम वेजेस इज मेंट टू प्रोटेक्ट वर्कर्स। तो आपका जो लॉ है मिनिमम वेजेस का, ठीक है, द लॉ ऑन मिनिमम वेजेस इज मेंट टू प्रोटेक्ट वर्कर्स, ठीक है। देर आर ऑल्सो लॉज दैट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन द मार्केट। तो और भी बहुत सारे लॉज हैं, ठीक है, विच प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन द मार्केट। ये प्रोडक्ट्स दे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन द मार्केट। दीस हेल्प इंश्योर दैट द रिलेशंस बिटवीन दीस थ्री पार्टीज, कौन कौन से भाई साहब, वर्कर, ठीक है, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, ये भाई साहब रिलेशन मेंटेन करता है, ठीक है। सो दीज लॉज बेसिकली हेल्प इंश्योर दैट द रिलेशंस बिटवीन दीस थ्री पार्टीज, दैट इज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड वर्कर्स, द रिलेशनशिप इज मेंटेन। अदरवाइज भाई साहब अगर इसने उल्लंघन किया तो आगे वाले पार्टी को भी तकलीफ होगी, ठीक है। अगर इसको अपने पैसे नहीं मिले तो अगली बार ये कॉटन नहीं उगाएगा, कुछ और क्रॉप उगाएगा, तब कर लो तुम तब तुम कहां से अपना रिक्वायरमेंट पूरा करोगे, है ना। समझ लो तुम इससे माल खरीद रहे हो और तुम इसको उसका बकाया पैसा नहीं दे रहे हो, तो ये बोलेगा यार इस धंधे में पैसा ही नहीं है, या तो वो तुमको बेचेगा नहीं माल अगले बार से, और या तो वैसा वो धंधा ही छोड़ देगा, वो दूसरा कुछ उगाएगा। दोनों केसेस में लॉस तुम्हारा है, ठीक है। सो आपका ये स्मूथ फ्लो बना रहे, ठीक है, बिटवीन प्रोड्यूसर, वर्कर्स एंड कंज्यूमर्स, सो देयर इज अ सेट ऑफ लॉ, ताकि किसी भी सेक्शन में, किसी भी ग्रुप में शोषण ना हो, ठीक है, किसी भी ग्रुप में वायलेशन ना हो। आर गवर्न्ड इन अ मैटर मैनर दैट इज नॉट एक्सप्लॉयटेटिव, ठीक है, मतलब किसी का भी शोषण ना हो रहा हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो रहा हो, सबको अपने काम का बराबर मजूरी मिल रहा हो, सबको अपने काम का बराबर पैसा मिल रहा हो, नोबडी इज गेटिंग एक्सप्लॉयटेड। द मोमेंट अ सेक्शन गेट्स एक्सप्लॉयटेड द एंटायर चेन विल बी डिस्टर्ब, सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स लुक एट इट, बट मियरली मेकिंग लॉज इज नॉट एनफ। सिर्फ लॉ बना के हमने अगर छोड़ दिया तो उससे बात नहीं बनेगी, लॉ बनाकर उसको भाई साहब एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा प्रॉपरली, ठीक है। तो हर केस का रिपोर्टिंग होना चाहिए। अभी जैसे समझो एक लॉ है, ठीक है, मैंने आपको मारा मारी किया तो मुझे पुलिस पकड़ सकती है ना, ठीक है, मेरे ऊपर केस बन सकता है, आई हैव मैन हैंडल्ड यू, सो देर इज समथिंग दैट वुड बी रिपोर्टेड एज अ लॉ अगेंस्ट मी। लेकिन इसके दो चीजें हैं, ये पुलिस कार्रवाई तभी कर सकती है जब आप जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ, मेरे अगर कोई रिपोर्ट ही नहीं लिखा रहा है तो पुलिस क्या ही कार्रवाई करेगी। दूसरा, अगर आप पुलिस में रिपोर्ट लिखाने गए तो पुलिस भाई साहब वो रिपोर्ट शायद ना लिखे, नहीं लिखेंगे हम, हमारी मर्जी, ठीक है, तो ये क्या आपको जस्टिस मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस ने FIR फाइल किया, मुझे जाकर जेल में ले गए, मेरे ऊपर केस चला, केस में जज भाई साहब डेट पे डेट दिए जा रहा है, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, क्या ही तुम उसको और क्या करोगे उसका, ठीक है। तो आपके बहुत सारे पहलू हैं, ठीक है, किसी भी लॉ तो बना हुआ है कि ये क्राइम है और उसका पनिशमेंट बना हुआ है, लेकिन क्या वो सही सही एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या कोई हम जो क्राइम है उसको प्रॉपरली ऑन टाइम रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या हम निडर होकर उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, पुलिस क्या वाकई में केस फाइल कर रहा है और वाकई में कार्रवाई कर रहा है। और तीसरा, जो जुडिशियरी सिस्टम है, इज इट जस्टिस डिलेड, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आप बहुत डिले में जस्टिस कर रहे होंगे तो वो जस्टिस ना देने के बराबर है, ठीक है। सो ये सारे अलग अलग पहलू हैं, ठीक है, किसी भी चीज के। बट मियरली मेकिंग लॉज इज नॉट एनफ, तो सिर्फ लॉ को बना के छोड़ देने से ही नहीं होगा, उसको इंप्लीमेंट भी कराना पड़ेगा, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर दैट दीज लॉज आर इंप्लीमेंटेड, मतलब हर लेवल पे इसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा हो, ठीक है। दिस मीन्स दैट द लॉ मस्ट बी इन्फोर्स्ड, तो लॉ को भाई साहब प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, ठीक है। सारे जितने भी लोग होंगे उस लॉ से कनेक्टेड, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो,
चाहे भाई साहब क्रिमिनल हो, चाहे भाई साहब आपका लॉयर हो, चाहे भाई साहब आपका जस्टिस सिस्टम हो, ये प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करेंगे तभी जाकर वो लॉ इंप्लीमेंट हो पाएगा। जैसे ऐसा है, देखो स्कूल आपने बना दिया, बड़ा एकदम आलीशान सा स्कूल बना दिया, ठीक है, लेकिन पढ़ाने को टीचर्स नहीं है। अभी बच्चे जा रहे हैं, कितने दिन तक जाएंगे? ऑब्वियसली अगर पढ़ाने को टीचर नहीं तो नहीं चलेगा ना भाई साहब, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। सो सिर्फ लॉ बनाकर रख देंगे तो नहीं होगा, यू विल हैव टू इंप्लीमेंट इट एज वेल, ठीक है। ओके, एनफोर्समेंट बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट व्हेन द लॉ सीक्स टू प्रोटेक्ट द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो एनफोर्समेंट बहुत जरूरी होता है, पुलिस हो गया, जस्टिस सिस्टम हो गया, ये दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट जब हमारे समाज के वर्ग में शोषित वर्ग बहुत ज्यादा हो, ठीक है, पीपल आर वेरी वीक, ठीक है। फॉर इंस्टेंस टू इंश्योर दैट एवरी वर्कर गेट्स फ्री फेयर वेजेस, हर एक इंसान को फेयर वेजेस मिले, द गवर्नमेंट हैज टू रेगुलरली इंस्पेक्ट वर्क साइट्स एंड पनिश दोज हु वायलेट द लॉ। तो गवर्नमेंट को भाई साहब ये जो वर्क साइट्स होते हैं, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज वगैरह, इन जगहों पर विजिट करना पड़ता है रेगुलरली, और देखना पड़ता है कि कहीं पे इनका शोषण तो नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट के लोग आते हैं, ठीक है, और पूछताछ करते हैं कि भाई साहब आपको पगार टाइम पे मिलती है क्या, 9 घंटा बोल के 12 घंटा तो नहीं काम करवाया जा रहा है, कोई मारा मारी गाली गलौज तो नहीं करता है आपके साथ, कोई आपके साथ दुर्व्यवहार तो नहीं करता है, ये सब भाई साहब गवर्नमेंट इंस्पेक्ट करती है, ठीक है। क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है इसीलिए वो नौकरी पे जा रहे हैं, पैसा कमाना है इसीलिए नौकरी पे जा रहे हैं, लेकिन नौकरी पे इनका शोषण हो सकता है, ठीक है, दे कैन बी बेसिकली ओके। सो व्हेन वर्कर्स आर पुअर और पावरलेस, द फियर ऑफ लूजिंग फ्यूचर अर्निंग्स और फेसिंग रिप्रिजल्स ऑफन फोर्सेस देम टू एक्सेप्ट लो वेजेस। जब लोग गरीब होते हैं, जब उनके पास पैसा नहीं होता या उन्होंने बहुत बुरे दिन देखे होते हैं, तो भाई साहब अग्री कर लेते हैं छोटे पगार पे काम करने के लिए, कम पगार पे काम करने के लिए, और तभी उनका शोषण होता है। कम पगार पे जिसने एक्सेप्ट कर लिया उसके ऊपर और भाई साहब लोड डालेंगे, क्योंकि अभी मालूम है कि ये छोड़ के जाएगा नहीं, तो इस पे लोड डालो, ठीक है, उसका और शोषण होता है। एम्प्लॉयर्स नो दिस वेल एंड यूज देयर पावर टू पे वर्कर्स लेस देन द फेयर वेज, और ये एम्प्लॉयर्स को मालूम होता है, एम्प्लॉयर्स आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस कि भाई साहब ये इनका मजबूरी का फायदा हम उठा लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मजबूर होकर हमारे पास नौकरी के लिए आए हैं, हम इनके मजबूरी का फायदा उठाएंगे, ठीक है। इन सच केसेस इट इज क्रूशियल दैट लॉज आर इन्फोर्स, और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि लॉ इन्फोर्सिंग हो, थ्रू मेकिंग इन्फोर्सिंग एंड अपहोल्डिंग दीज लॉज, ठीक है। ठीक है, सो थ्रू मेकिंग इन्फोर्सिंग एंड अपहोल्डिंग दीज लॉज, तो मिनिमम वेजेस हो गया भाई साहब, द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स और प्राइवेट कंपनीज सो एज टू इंश्योर सोशल जस्टिस। तो जितने भी आपके इंडिविजुअल्स हैं या प्राइवेट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट इनको भाई साहब कंट्रोल कर सकती है, ताकि किसी भी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में या शॉप में शोषण ना हो, ठीक है। सो पीस बना रहे, फ्रीडम बना रहे, इक्वालिटी बना रहे, दैट इज द मेन, दीज आर द मेन ब्रांचेस ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, सोशल जस्टिस। Many of these laws have their basis in the fundamental rights which are guaranteed by the Indian Constitution. तो हमारा Indian Constitution, संविधान हमारा, कुछ fundamental rights है जो सबको guarantee करता है, ठीक है। मैं बोलता हूँ भाई साहब हमारा इतना एक धर्म वाला देश है, ठीक है, सारे धर्म जो ये यहाँ पे हैं, जो भी आपके जो हिंदू हैं वो भाई साहब गीता की, भागवत की या वेदों की बात करते हैं या मोहम्मडंस कुरान की बात करते हैं, मैं बोलता हूँ सब लोग यहाँ पे अपने अपने धर्म ग्रंथों का बात करते हैं, लेकिन एज एन इंडियन ये एक ग्रंथ है जो आप सबको पढ़ना चाहिए मैंडेटरीली, वी ऑल शुड बी रीडिंग इट। हमारा आधा मतलब 80% देश की समस्याएं इससे कम हो जाएंगी। प्रॉब्लम ये हम सब संविधान की बात करते हैं, हम सब बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का हमको कुछ भी आइडिया नहीं है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, क्या क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सब हम जानते ही नहीं है, और इसीलिए हम लड़ मर रहे हैं अपने आप में, ठीक है। शायद ये बुक अगर मैंडेट बना दिया जाए, चलो 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, 5 साल में कम से कम इस बुक को कंप्लीट करो, ठीक है, ये होना ही चाहिए। हमारे हम भाई साहब बड़े बड़े ग्रंथों की बात करते हैं, हिंदू धर्म के ये ग्रंथ ना कुरान है, ये है, वो है, और आप देखोगे सब घरों में कुछ ना कुछ अटेम्प्ट किया जाता है कि धार्मिक शिक्षा दी जाए, लेकिन हमारे हार्डली कोई ऐसा घर होगा जहां पे संविधानिक शिक्षा दी जाए, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में शिक्षा दी जाए, ये होना चाहिए।
हमारे आधे से ज्यादा फसाद खत्म हो जाएंगे। हम जिन चीजों के लिए आज लड़ मर रहे हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी चेंज होगी। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा चीज है जिसमें आपका फंडामेंटल राइट्स है एक इंडियन सिटीजन का। ठीक है, जब आप देखो आप राइट्स के बारे में रिस्पेक्ट तभी ला पाएंगे जब आप राइट्स के बारे में जाने। आपके खुद के राइट्स क्या हैं, जब उनके बारे में आप जानेंगे तो आप दूसरे के राइट्स का उल्लंघन नहीं करेंगे, दूसरे के राइट्स को वायलेट नहीं करेंगे। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गेन सब्सटेंशियल नॉलेज अबाउट दिस। ओके, फॉर इंस्टेंस द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन सेज दैट नो वन कैन बी फोर्स्ड टू वर्क फॉर लो वेजेस और अंडर बॉन्डेज। बॉन्डेड लेबरर्स होते हैं भाई साहब, बॉन्डेड लेबरर्स मतलब भाई साहब उनके हाथ पांव में बंधे रहते हैं और बॉन्डेड लेबरर्स हैं। ठीक है, और लो वेजेस में कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, आज की तारीख में एक चल रहा है कि भाई साहब आप जब किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी आपसे बॉन्ड साइन करा रही है कि आप 5 साल तक कंपनी छोड़कर जा नहीं सकते, और लोग बड़े घबराए हुए रहते हैं। ठीक है, हमने साइन तो कर दिया लेकिन यार बॉन्डेड लेबरर हो गए हम, तो 5 साल तक हम छोड़कर जा नहीं सकते। ठीक है, अगर हम गए तो हमको बड़ा फाइन देना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप कल को जब नौकरी करने जाएंगे और अगर आपको कंपनी बोलती है कि यू हैव टू साइन ऑन दिस, अगर आप साइन करते भी हैं कल को आप नौकरी छोड़कर जा सकते हैं। यू आर फ्री टू मूव आउट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये कंपनीज या एचआर हमारे साथ गेम खेलती है। ठीक है, तो कोई भी इंडिया में बॉन्डेड लेबरर नहीं है, स्लेवरी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। कोई भी किसी भी टाइम पे अपने टैलेंट के हिसाब से कोई भी कंपनी ज्वाइन कर सकता है और कभी भी उसको छोड़ भी सकता है। ठीक है, नोबडी इज बॉन्डेड। सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइंस और एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। कोई भी चाइल्ड जो है जो 14 साल के नीचे है ही शुड नॉट बी वर्किंग। तो चाइल्ड लेबर जो है तो हमारे इंडिया में बैंड है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन दैट इन दिस चैप्टर विल नाउ गो ऑन टू एक्सप्लोर। हाउ आर दीज लॉट पेड आउट इन प्रैक्टिस, टू वॉट एक्सटेंड डू दे एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ सोशल जस्टिस। हमारे सोशल जस्टिस को कैसे ये फुलफिल करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस, सेंसस मतलब एक भाई साहब आपके पूरे राष्ट्र में एक एक ये होता है, मतलब रीडिंग ली जाती है। ओवर 12 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया एज बिटवीन 5 एंड 14 वर्क इन वेरियस ऑक्यूपेशंस इंक्लूडिंग हजार्डस वन। तो अप्रोक्सीमेटली 12 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं, ठीक है, हु आर एज बिटवीन 5 to 14 ईयर्स, ठीक है, 5 से 14 साल के बच्चे भाई साहब हजार्डस ऑक्यूपेशंस में हैं। जैसे भाई साहब ये पत्थर तोड़ने का काम है, एक्सीडेंटल काम है। ठीक है, सो हजार्डस ऑक्यूपेशन मतलब ऐसे ऑक्यूपेशंस जो आपके हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए लाइफ इजी है, सुबह उठते हैं भाई साहब, रात को जाते हैं, सो जाते हैं, खाना मिल जाता है, स्कूल जाते हैं, मस्ती करते हैं, जो भी है। बट इमेजिन पीपल ऑफ योर एज हु आर एक्चुअली वर्किंग, हु आर एक्चुअली वर्किंग एंड गेटिंग पेड एंड दे आर वर्किंग इन हजार्डस कंडीशंस। ठीक है, 2-4 पैसों के लिए भाई साहब जान जोखिम उठाकर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स अ वेरी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग एटमॉस्फेयर इन आवर कंट्री। इन अक्टूबर 2006 द गवर्नमेंट एमेंडेड द चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट बैनिंग चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम वर्किंग एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स और एज वर्कर्स इन ढाबाज, रेस्टोरेंट्स एंड टी शॉप्स। तो चाय की टपरी हो गई, ढाबा हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, यहाँ पे भाई साहब इनका काम करना बैन हो चुका है। ठीक है, तो 14 साल के नीचे के बच्चों को एम्प्लॉय करना भी कानूनन जुर्म है। ठीक है, यू कैन बी अरेस्टेड इफ यू आर डूइंग सो। ठीक है, विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर टुमारो। ओके पीपल, यस्टरडे वी वर डूइंग दिस चैप्टर एंड विल कंटिन्यू विद दिस। सो अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस, 2001 सेंसस मतलब क्या होता है, सेंसस मतलब रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक रिकॉर्डिंग हुई 2001 सेंसस में। ओवर 12 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया एज बिटवीन 5 एंड 14 वर्क इन वेरियस ऑक्यूपेशंस इंक्लूडिंग हजार्डस वंस। हजार्डस मतलब डेंजरस ऑक्यूपेशन। डेंजरस ऑक्यूपेशंस मतलब क्या होते हैं, डेंजरस ऑक्यूपेशंस मतलब वो होते हैं जिसपे आपका हेल्थ डैमेज हो सकता है, वेर योर हेल्थ कैन बी डैमेज। ठीक है, तो ऐसे ऑक्यूपेशंस में इनका इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस ओवर 12 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया एज बिटवीन 5 एंड 14 वर्क इन वेरियस ऑक्यूपेशंस इंक्लूडिंग हजार्डस वंस। हजार्डस मतलब क्या होता है, आप समझ लो किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, एसिड के साथ आपका कॉन्टैक्ट हो रहा है, या आप किसी न्यूक्लियर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो दीज आर हजार्डस ऑक्यूपेशंस। रुई की फैक्ट्री में काम करना, इससे आपके बहुत सारे चेस्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, रुई की फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं, तो ऐसा बहुत सारा ऑक्यूपेशन है जो हजार्डस है। ठीक है, उनके मतलब
सी दे आर स्टिल नॉट डेवलप्ड, है ना। 14 साल की उम्र तक भाई साहब पूरा पूरा डेवलपमेंट होता नहीं है, शरीर का पूरा विकास होता नहीं है। आप अगर ऐसे किसी फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे जहाँ पे पोल्यूटेंट्स हैं, जहाँ पे भाई साहब कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे हेल्थ इनका इम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग आउट देयर। इन अक्टूबर 2006 द गवर्नमेंट अमेंडेड द चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट बैनिंग चिल्ड्रेन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम वर्किंग एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स और वर्कर्स इन ढाबाज, रेस्टोरेंट्स, टी शॉप्स एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है अभी, ठीक है। अगर अगर समझ लो कोई भी ढाबा ओनर या रेस्टोरेंट ओनर या भाई साहब जो चाय की टपरी चलाता हो, उसने चिल्ड्रन को एम्प्लॉय किया है अपने अपने दुकान में, तो वह अरेस्ट हो सकता है, ठीक है। उस पर सरकारी कार्रवाई की जा सकती है, बैन हो गया है। इट मेड एम्प्लॉइंग दीज चिल्ड्रन अ पनिशेबल ऑफेंस, मतलब बाकायदा आप पर केस होगा और देयर विल बी अ पनिशमेंट बाई लॉ, ठीक है। सो पनिशमेंट बाई लॉ होगा, ठीक है, देयर विल बी अ पनिशमेंट बाई लॉ। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बाकायदा केस होगा और उसमें पनिशमेंट भी होगा। ओके ओके ओके। एनी वन फाउंड वायलेटिंग द बैन मस्ट बी पिनलाइज विद अ पनिशमेंट रेंजिंग फ्रॉम अ जेल टर्म ऑफ 3 months, या तो भाई साहब 3 महीने की सजा होगी और 2 years to 2 years डिपेंडिंग, ठीक है। तो 3 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है किसी को भी जो भी इस रूल को वायलेट कर रहा होगा। अगर किसी चाय की टपरी में या रेस्टोरेंट में या ढाबा में किसी अंडर एज चाइल्ड का भाई साहब एम्प्लॉयमेंट हुआ है, एनी यू नो चाइल्ड हु इज वर्किंग इन दैट ढाबा एंड हु इज बिलो 14 years ऑफ एज, तो क्या क्या हो सकता है भाई साहब? उस ओनर को 3 महीने से 2 साल की सजा हो सकती है, ठीक है, एंड और अ फाइन ऑफ अप टू 10,000 or 20,000, ये सरकार ने निर्धारित किया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज आस्क्ड स्टेट गवर्नमेंट्स टू डेवलप प्लान्स टू रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेट चिल्ड्रन हु आर वर्किंग एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारे यहाँ पे 3 टाइप के गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस इशू किए हैं कि आप अपने प्लान्स बताइए कैसे आप इन लोगों को रिहैबिलिटेट करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे अनाथ बच्चे होते हैं जो इधर उधर काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, तो इनको आपने काम से तो छुड़वा दिया, लेकिन इनको फिर से रिहैबिलिटेट कैसे करेंगे? अनाथ आश्रम है क्या, इनके इनके प्रॉपर केयर टेकिंग हो सकती है क्या, ठीक है। रिहैबिलिटेट चिल्ड्रन हु आर वर्किंग एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स, टू डेट ओनली 3 state governments, नेमली महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु हैव पब्लिश्ड दीज प्लान्स, ठीक है। तो इन जगहों पर प्लान्स पब्लिश हुए हैं, तो इट इज अ बैड स्टोरी, ठीक है। आपके 29 स्टेट्स में ओनली 3 states ऐसे हैं जहां पे बाकायदा प्लान पब्लिश हुए हैं कि अगर इन लोगों को हम उठाते हैं, मतलब ये जो बच्चे हैं जो इधर उधर काम कर रहे हैं, तो इनका हम करेंगे क्या? चलिए इनके जो ओनर्स हैं उनको तो हमने सजा दे दी, लेकिन उसके बाद क्या कार्रवाई होगी, इनके साथ क्या कार्रवाई होगी? हाउ विल बी रिहैबिलिटेट? इनका जीवन का एक वो था ना, बस अब अर्निंग का वो तो हमने छीन लिया, लेकिन अभी ये खाएंगे क्या, ठीक है। हाउ विल, सो सिर्फ लॉ बनाने से नहीं होगा, लॉ का एक कॉन्सिक्वेंस भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये अकेले हों या अपने फैमिली को पाल रहे हों, अर्निंग तो इनकी हो रही है जहाँ पे भी कर रहे होंगे, ठीक है। सो जब वो अर्निंग का स्रोत आप बंद कर देंगे तो इनकी फैमिली कैसे चलेगी, या ये खुद इनका जीवन निर्वाह कैसे होगा, ठीक है। हाउ विल दे कोप अप? सो ये आपके प्लान्स हैं, और ये प्लान सिर्फ 3 ही state ने अभी तक पब्लिश किया है। क्या क्या भाई साहब? महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, दीज आर द ओनली 3 states इन इंडिया हु हैव पब्लिश्ड सॉलिडिफाइड प्लान्स फॉर कर्बिंग दिस, ठीक है। अदरवाइज 29 states में अभी तक किसी ने ये किया नहीं है। इवन टूडे मोर देन ए ईयर आफ्टर दिस लॉ वॉज पास्ड 74% ऑफ चाइल्ड डोमेस्टिक वर्कर्स आर अंडर द एज ऑफ 16, ठीक है। तो 74% ऑफ चाइल्ड डोमेस्टिक वर्कर्स आर अंडर द एज ऑफ 16, मतलब चाइल्ड डोमेस्टिक वर्कर्स में 16 साल से कम उम्र वाले अभी भी बस अब 74% है, ठीक है। भोपाल गैस एक ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। इसमें क्या हुआ था, एक गैस टर्बाइन था जिसमें एक पॉइजनस गैस बनता था, वो अलग चीज़ों में लगता था। रातों रात उस गैस टर्बाइन से लीकेज हो गया और रात के टाइम पे हुआ था, इसके चलते पूरे भोपाल में वो गैस फैल गया और लगभग 5,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 5,000 इनोसेंट पीपल हु वर स्लीपिंग वेर किल्ड। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, ठीक है। मतलब ना भूकंप आया, ना भाई साहब बाढ़ आई, ना भाई साहब कुछ नेचुरल कैलामिटी हुई, लेकिन सोते सोते 5,000 लोग मारे गए और जो बचे भी उनमें सीरियस इन्फेक्शन हो गए, ठीक है।
ठीक है, उनमें सीरियस इन्फेक्शन हो गए, बिकॉज दिस वॉज अ मेजर ट्रेजिडी दैट हैपेंड, ठीक है। सो भोपाल गैस ट्रेजिडी कभी हुआ था 2nd and 3rd of December 1984, द नाइट ऑफ डेथ, इसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब, द नाइट ऑफ डेथ, इट हैपेंड इन 1984, बहुत सालों पहले हुआ था ये, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था, द वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजिडी टुक प्लेस इन भोपाल 24 इयर्स अगो, ठीक है। पूरे दुनिया का सबसे भयंकर इंडस्ट्रियल ट्रेजिडी था ये। भोपाल महाराष्ट्र का कैपिटल है, अपना मध्य प्रदेश का कैपिटल है, ठीक है। भोपाल इज बेसिकली द कैपिटल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जस्ट एज यू हैव मुंबई एज द कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र, सो द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश हैज भोपाल एज इट्स कैपिटल, ठीक है। तो वर्ल्ड का वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजिडी जो हुआ था वो भोपाल में हुआ था लगभग 24 सालों पहले, ठीक है। क्या हुआ था, यूनियन कार्बाइड, ये एक केमिकल है, एंड अमेरिकन कंपनी, सॉरी, तो कार्बाइड बनाते थे लोग, ठीक है। कार्बाइड के बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो यूनियन कार्बाइड इज बेसिकली एन अमेरिकन कंपनी, यूसी, हैड अ फैक्ट्री इन द सिटी इन विच इट प्रोड्यूस्ड पेस्टिसाइड्स। तो भाई साहब ये पेस्टिसाइड्स बनाते थे, ठीक है। पेस्टिसाइड्स मतलब समझ में आता है क्या होता है, पेस्टिसाइड्स जो मतलब झाड़ों पे आप देते हैं या एग्रीकल्चर पे या क्रॉप में आप देते हैं ताकि आप पेस्ट को मार सकें, तो ये जहर है, ठीक है नहीं, ठीक है। तो दैट वॉज बेसिकली इन टू प्रोड्यूसिंग पेस्टिसाइड्स, तो ये अमेरिकन कंपनी थी लेकिन इसका प्रोडक्शन यूनिट इंडिया में था, ठीक है। एट मिडनाइट ऑन द 2nd of December 1984 मिथाइल आइसोसाइनाइड अ हाईली पॉइजनस गैस स्टार्टेड लीकिंग फ्रॉम दिस यूनियन कार्बाइड प्लांट, ठीक है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड वैसे यहां से लीक होने लगा 12 बजे लगभग, रात के 12 बजे, तो रात के 12 बजे सब लोग सो रहे हैं, कोई एक्टिव नहीं है, ठीक है, लीकेज हो रहा है भाई साहब, किसी को मालूम नहीं है, और गैस है, गैस फटाफट फैलेगा भाई साहब, पानी थोड़ी है कि एक जगह रह जाए, ठीक है, वो तो फैल जाएगा पूरा, ठीक है। तो पूरे शहर में भाई साहब ये फैलने लगा, ठीक है। रिमेंबर अजीजा सुल्तान अ सर्वाइवर, एट अबाउट 12:30 AM आई वोक टू द साउंड ऑफ माई बेबी कॉफिंग बैडली। तो अजीजा सुल्तान बोले कि भाई साहब 12:30 बजे मैं उठी और मेरा जो बच्चा था वो बहुत बुरी तरह से खांस रहा था, ठीक है। इन द हाफ नाइट आई सॉ दैट द रूम वॉज फिल्ड विद अ वाइट क्लाउड, अ वाइट क्लाउड, मेरा रूम जो है पूरा वाइट क्लाउड से भर गया था, जैसे सफेद बादल घुस गए मेरे रूम के अंदर, ठीक है। आई हर्ड पीपल शाउटिंग रन रन, और मैंने सुना कि भाई साहब लोग इधर उधर बोल रहे हैं भागो यहां से भागो, ठीक है। देन आई स्टार्टेड कॉफिंग विद ईच ब्रेथ सीमिंग एज इफ आई वॉज ब्रीदिंग इन फायर, तो मतलब मुझे भी अभी खांसी आने लगी और ऐसा लगने लगा कि मतलब अभी मेरा दम घुट रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है चारों तरफ कोई आग लगी हुई है और मेरा दम घुट रहा है, ठीक है। माई आईज वे आर बर्निंग, विद इन 3 days मोर देन 8,000 पीपल वेर डेड, तो उसी रात को लगभग 5,000 लोग मारे गए थे और आगे के 3 दिनों में 8,000 लोग मारे गए एक रात के इंसिडेंट से, ठीक है। हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स वेर मेम्ड, मेम्ड मतलब भाई साहब ये अपाइज हो गए, ठीक है, दे वेर हैंडीकैप फॉर लाइफ, ठीक है, दे हैड नथिंग टू डू। सो ऐसे भाई साहब लाशों का ढेर जल रहा था, एक साथ ही भाई साहब 4-5 चीते जल रहे हैं ऐसा, ठीक है, जैसा कोरोना के टाइम पे आपने देखा था। मोस्ट ऑफ दोज एक्सपोज टू द पॉइजनस गैस केम फ्रॉम पुअर, ज्यादा करके जो लोग यू नो पुअर फैमिलीज में थे वो सबसे पहले इंपैक्ट हुए इसमें, ठीक है। वर्किंग क्लास फैमिलीज, ठीक है, ऑफ विच नियरली 50,000 पीपल आर टूडे टू सिक टू वर्क, ठीक है, 50,000 लोग आज की तारीख में भी दे के नॉट वर्क, दे आर परमानेंटली हैंडीकैप्ड, ठीक है, इस गैस लीक की वजह से। ये जो मिथाइल आइसोसाइनाइड था इट वॉज सो पॉइजनस दैट इट किल्ड मैनी पीपल एंड इट रेंडर्ड मैनी थाउजेंड्स एज हैंडीकैप, वो अभी तक काम नहीं कर पा रहे, ठीक है, 50,000 से ज्यादा लोग अभी भी हैंडीकैप है। देखो ये बच्चा, देखो ये बच्चा अभी ग्रोथ ही नहीं हुआ है इसका, उस टाइम का बच्चा ये, लेकिन इसका ग्रोथ ही नहीं हुआ है, वैसा ही रह गया है। अमॉन्ग दोज हु सर्वाइव्ड मैनी डेवलप सीरियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है, सीवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो बचे उनको भाई साहब सीवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हुआ, ठीक है। आई प्रॉब्लम्स एंड अदर डिसऑर्डर्स, आंखों में प्रॉब्लम, अदर डिसऑर्डर्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस पॉइजनस गैस। 3 दिन में भाई साहब पूरा शहर तबाह हो गया था, इट इज एज इफ किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया हो, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब या एटम बॉम्ब डालने से तबाही मचती है, लगभग उस तरह की तबाही इसमें मची थी, ठीक है, और ये वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर है, ठीक है। चिल्ड्रेन डेवलप पिक्यूलियर एबनॉर्मेलिटीज लाइक द गर्ल इन द फोटो, तो अलग अलग टाइप के एबनॉर्मेलिटीज डेवलप होने लगे लोगों में, मतलब एबनॉर्मल बच्चे होने लगे, ठीक है, जो बच्चे माँ के पेट में थे उन्होंने जब ये गैस इनहेल किया तो उनमें एबनॉर्मेलिटीज आ गई और ये एबनॉर्मेलिटीज ताउम्र रही, मतलब पूरे उनके लाइफ तक रही, ठीक है।
सो नंबर ऑफ यूसी एम्प्लॉयज यूनियन, तो आपका भाई साहब यूनियन कार्बाइड के जो एम्प्लॉयज हैं ये भाई साहब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। गैस विक्टिम्स विद द गैस रिलीफ मिनिस्टर, तो ये तब के मिनिस्टर है भाई साहब, ये सब विक्टिम्स हैं उस टाइम पे, इनके परिवार के या तो लोग मारे गए हैं या तो परमानेंटली हैंडीकैप हो गए हैं, ठीक है। सो देयर वाज अ ह्यूज ब्रो एक्सीडेंट्स आर कॉमन, तो आज की तारीख में भी केस चल रहा है। तो जो गैस ओनर है वो तो अमेरिका में है अभी फिलहाल, ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक भयानक इंसिडेंट हुआ था, इसको हम इंडस्ट्रियल नेग्लिजेंस बोलेंगे, ठीक है। आप जब जानते हैं कि एक ऐसा भयंकर कांड हो सकता है तो आपको सुपर केयरफुल रहना पड़ेगा, अगर कहीं से गैस लीकेज हो रहा है तो उसको बंद करना पड़ेगा, टावर तोड़ बंद करना पड़ेगा, है ना। सो दीज आर द थिंग्स दैट वेर नॉट अडॉप्टेड। एक्सीडेंट्स आर कॉमन टू कंस्ट्रक्शन साइट्स, येट वेरी ऑफन सेफ्टी इक्विपमेंट और अदर प्रिकॉशंस आर इग्नोर्ड। तो आपके एक्सीडेंट्स जो है वो कॉमन है कंस्ट्रक्शन साइट्स में, मतलब आप देखो रहे हो ना, जो लोग कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं उन लोग भाई साहब ऐसा हेलमेट पहनते हैं, जूते पहनते हैं ऐसे, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन साइट्स में भाई साहब होगा ही, किसी के ऊपर काम कर रहा है हथौड़ा गिर गया भाई साहब, ईंटा गिर गया, ये सब होता ही रहता है ना कंस्ट्रक्शन साइट्स में। सो वेरी ऑफन, जैसे अगर आप समझो कि बिल्डिंग में उतर कर आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो ये बिल्डिंग से ऐसे रस्सी लेकर उतरते हैं, है ना, इनके लिए भी भाई साहब क्या है, अगर रस्सी कट गई तो गिरेंगे तो क्या, ठीक है। तो इनके लिए प्रॉपर भाई साहब आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, देयर हैज टू बी प्रॉपर प्रिकॉशंस दैट हैव टू बी टेकन, ठीक है। वेरी ऑफन सेफ्टी इक्विपमेंट एंड अदर प्रिकॉशंस आर इग्नोर्ड, तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स और अदर प्रिकॉशंस को हम इग्नोर करते हैं, और ये जो लोग वहां पे एम्प्लॉयड हैं उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा होता है, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स, तो हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेफ्टी की बात कर रहे हैं। द स्ट्रगल फॉर जस्टिस गोज ऑन, आज तक भाई साहब ये भोपाल गैस ट्रेजेडी पे जस्टिस के लिए स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है। बैग्स ऑफ केमिकल्स लाई स्ट्रेन अराउंड द यूनियन कार्बाइड प्लांट, ठीक है। तो आप देखो ये यूनियन कार्बाइड का प्लांट है और यहाँ पे सब भाई साहब क्या है, बैग्स ऑफ केमिकल, ये सारे केमिकल के बैग्स हैं जो एक्सप्लोसिव गैस बनाते हैं, ठीक है। स्टिल दे आर लेफ्ट अनअटेंडेड, ठीक है, वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स लीडिंग टू भोपाल गैस डिजास्टर, हमको बेसिकली पूछना चाहिए व्हाई डिड द यूनियन कार्बाइड सेट अप इट्स प्लांट इन इंडिया। तो यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकन कंपनी होने के बावजूद व्हाई हैव दे सेट अप देयर प्लांट इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में रॉ मटेरियल सस्ते हैं, ठीक है। व्हाट इज द वर्कर्स, व्हाट इज द वर्कर्स वर्थ, ठीक है। तो एक जो काम करने वाला इंसान है उसका कीमत क्या है, ठीक है। आप सो बोलेंगे कि भाई साहब काम तो हो गया चलो, लेकिन हम भूल जाते हैं इनको, लेकिन बड़े बड़े बिल्डिंग्स में चढ़ के हजारस काम करना कोई आसान बात नहीं होती है। तो व्हाट इज अ वर्कर्स वर्थ, एक वर्कर का कीमत क्या है, ठीक है। व्हाट इज अ वर्कर्स वर्थ, वन रीजन व्हाई फॉरेन कंपनीज कम टू इंडिया इज फॉर चीप लेबर, ठीक है। तो ये यूनियन कार्बाइड का जो प्लांट था, जो बेसिकली यूएस कंपनी है, ठीक है, ये इंडिया आई क्यों, क्योंकि इंडिया में रॉ मटेरियल्स और लेबर आपको चीप में मिलता है, ठीक है। यू गेट लेबर एंड रॉ मटेरियल्स इन चीप, ठीक है, वहां जितना महंगा है यहां पे उतना महंगा नहीं है। वेजेस दैट द कंपनीज पे टू वर्कर्स से इन यूएसए आर फार हायर देन व्हाट दे हैव टू पे टू वर्कर्स इन पुअरर कंट्रीज लाइक इंडिया। जो आपको सैलरी देनी पड़ती है वर्कर्स को, ठीक है, इन यूएस आर बहुत हायर है, ठीक है, एज कंपेयर टू व्हाट यू हैव टू पे टू वर्कर्स इन इंडिया, दे आर सुपर हाई, ठीक है, ओके। फॉर लोअर पे कंपनीज कैन गेट लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क, ठीक है। तो आप देखोगे कि भाई साहब ज्यादा काम करवा सकते हैं, क्योंकि इंडियंस पुअर हैं और इंडियंस पुअर हैं तो उनको पैसों की जरूरत है, ठीक है, बहुत कम पैसों में आप इनसे काम निकलवा सकते हैं, और इसीलिए फॉरेन कंट्रीज इंडिया आते हैं, ठीक है। एडिशनल एक्सपेंसेस सच एज फॉर हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर वर्कर्स आर ऑल्सो फ्यूअर। जैसे आप अगर यूएस वगैरह में जाएंगे और दूसरे कंट्रीज में जाएंगे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे अगर आप वर्कर्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं तो आपको उनके रहने का भी इंतजाम लगभग करना पड़ता है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं भाई साहब, ठीक है, रहना तुम खुद का देखो भाई साहब, काम करना है पगार मिलेगी, ठीक है। दस कंपनीज कैन सेव कॉस्ट एंड अर्न हायर प्रॉफिट्स, तो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, वही काम कम पगार पे ज़्यादा काम करवा के वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है। दैट इज वन रीजन वाई यूनियन कार्बाइड एज अ यूएस कंपनी केम टू इंडिया फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। कॉस्ट कटिंग कैन ऑल्सो बी डन बाई अदर मोर डेंजरस मीन्स। कॉस्ट कटिंग मतलब समझते हैं, कॉस्ट कटिंग मतलब खर्चे को कम करना। आपका कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी बिजनेस हाउस हो या कोई भी फैक्ट्री हो, ठीक है, तमाम चीजों पर खर्चे होते हैं, रॉ मटेरियल्स पे खर्चा होता है, मशीन्स पे खर्चा होता है, इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा होता है, ठीक है, लेबर पे खर्चा होता है, ये सब तमाम खर्चे हैं। उसके बाद आप चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, उसको बेचते हैं,
तो ये खर्चे का पैसा उससे निकलता है, ठीक है। देयर इज एन ह्यूज एक्सपेंस दैट एवरी फैक्ट्री और इंडस्ट्री नीड्स टू इनकम, ठीक है। तो अभी नाउ एवरी फैक्ट्री और इंडस्ट्री वुड ट्राई टू कट डाउन ऑन द कॉस्ट, और जब आप कॉस्ट कटिंग करते हैं तो आप बहुत सारी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, जो सेफ्टी चीजें हैं उन पे भी कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे जो सेफ्टी के लिए बनी है। कॉस्ट कटिंग करना है, कॉस्ट कटिंग करना है, तो अभी जैसे वर्कर्स के सेफ्टी के लिए कोई चीज बनी है, अरे छोड़ो हो गया तो हो गया, देखेंगे तब देखा जाएगा, ठीक है। सो ये कॉस्ट कटिंग में आ जाता है, ठीक है। लोग कॉस्ट कटिंग के चक्कर में सेफ्टी मेजर्स में सबसे ज्यादा पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। क्या रॉ मटेरियल्स में आप पैसा बचा सकते हैं? नहीं, वो तो चाहिए। क्या लेबर में आप पैसा बचा सकते हैं? शायद हाँ, उनका वेजेस कम करके। क्या और क्या तरीके होंगे जिसमें आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं? क्या ट्रांसपोर्ट में आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। क्या इलेक्ट्रिसिटी में आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं? थोड़ा बहुत, लेकिन सेफ्टी मेजर्स में आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, और लगभग लोग यही करते हैं, ठीक है। हर कंपनी के कुछ सेफ्टी रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, और वहां पे ये कॉस्ट कटिंग करते हैं। वो बड़ा खर्चा होता है, ठीक है, और उसमें ये कॉस्ट कटिंग करेंगे। सो कॉस्ट कटिंग कैन ऑल्सो बी डन बाई अदर मोर डेंजरस मीन्स। लोअर वर्किंग कंडीशंस इंक्लूड लोअर सेफ्टी मेजर्स आर यूज्ड एज वेज ऑफ कटिंग कॉस्ट, ठीक है। लोअर वर्किंग कंडीशंस, बहुत लोअर वर्किंग कंडीशंस इंक्लूडिंग लोअर सेफ्टी मेजर्स आर यूज्ड एज वेज ऑफ कटिंग कॉस्ट। तो इसको भाई साहब हम कटिंग कॉस्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ वी बेसिकली कट कॉस्ट। ओके, इन द यूनियन कार्बाइड प्लांट एवरी सेफ्टी डिवाइस वॉज मैन फंक्शनिंग और वॉज इन शॉर्ट सप्लाई। तो सारे जितने भी सेफ्टी डिवाइसेस थे, ठीक है, ऑल सेफ्टी डिवाइसेस, तो इसीलिए देखिए मैल फंक्शनिंग कर रहा है, मतलब सेफ्टी डिवाइस काम ही नहीं कर रहा है। सेफ्टी डिवाइस बहुत सारी चीजें होती हैं। सेफ्टी डिवाइस में आपका भाई साहब फायर एक्सटिंग्विशर होता है, सेफ्टी डिवाइस में आपके पाइप के वॉल्व्स होते हैं, ये सारे आपके सेफ्टी डिवाइसेस हैं, ठीक है। और इन पे ध्यान ही नहीं था क्योंकि ये एक अलग खर्चा है, बड़ा खर्चा है, ठीक है। सो उस यूनियन कार्बाइड प्लांट में एवरी सेफ्टी डिवाइस, जितने भी सेफ्टी डिवाइसेस थे वो मैल फंक्शनिंग कर रहे थे। व्हाट डू वी मीन बाय मैल फंक्शनिंग? खराब हो चुके थे और उनको कंपनी पैसा खर्चा करके रिपेयर नहीं करवा रही थी, ठीक है। आज की तारीख में ऑडिट्स होते हैं आपके जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस प्लस आपके जितने भी इंडस्ट्रियल जगह होते हैं या फैक्ट्रीज होती हैं, उन पे ये जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका फोटो लिया जाता है। लोग आते हैं एक्चुअली लेने के लिए, ठीक है। लोग इसको देखते हैं कब ये सर्विसिंग हुई थी, ये भरा हुआ है कि नहीं, कोई इमरजेंसी हुआ तो क्या होगा, इस पर सर्टिफिकेट इशू होता है, ठीक है। और अगर नहीं है तो आपके पे बड़ा फाइन लग सकता है। बिल्डिंग्स में भी ये ऑडिट्स होते हैं, ठीक है। ओके, इन द यूनियन कार्बाइड प्लांट एवरी सेफ्टी डिवाइस वॉज मैल फंक्शनिंग। सारा जितने भी सेफ्टी डिवाइस था वो सब का सब खराब हो चुका था और इन शॉर्ट सप्लाई, ठीक है। तो सप्लाई नहीं था भाई साहब। बिटवीन 1980 एंड 1984, ठीक है, इन चार सालों में 12 टू 6 वर्कर्स, ठीक है, द पीरियड ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम 6 मंथ्स टू 15 डेज। किसी भी केमिकल फैक्ट्री में सबसे पहला ट्रेनिंग जो होता है वो होता है आपका सेफ्टी का, और ये सेफ्टी ट्रेनिंग जो है 6 से 7 महीने तक चलता है, क्योंकि केमिकल प्लांट्स बहुत डेंजरस होते हैं। जहाँ पे भी केमिकल्स को लेकर हम कुछ चीज़ बनाते हैं, स्पेशली फर्टिलाइजर जो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, स्पेशली केमिकल्स जो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, यहाँ पे बहुत कड़े प्रबंध होते हैं आपके सेफ्टी मेजर्स के लिए। और जितने भी एम्प्लॉयज यहाँ पे होते हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, वो ट्रेनिंग ही आपका 6-7 महीने चलता है, ठीक है। तो ज़्यादा करके जितने भी फैक्ट्री ओनर्स होते हैं वो बोलते हैं भाई साहब इनसे हम ट्रेनिंग करवाएं कि इनसे हम काम करवाएं। चलो छोड़ो हो गया, 6 महीने का 15 दिन में निपटाते हैं और फिर काम इनसे काम करवाना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे यही हुआ, ठीक है। 6 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड को इन्होंने किस में कंक्लूड कर दिया? 15 डेज में। अगर आप देखोगे 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड इन वर्कर्स का जो था, जो सेफ्टी ट्रेनिंग पीरियड था, उसको इन्होंने भाई साहब 15 दिन में निपटा दिया। तो क्या ही सीखेगा वर्कर, क्या ही जानेगा, किस किस क्राइसिस में क्या करना है उसको नहीं मालूम है, ठीक है। अगर वाकई में इतना टाइम दिया जाता उसको तो उसको मालूम होता था, लेकिन अभी उसको मालूम ही नहीं है। 6 महीने की अगर तुमको बोला जाए भाई साहब कि तुम्हारे पूरे साल की पढ़ाई 15 दिन में हम निपटा देंगे, क्या ही समझोगे भाई साहब, ठीक है। स्कूल वाले अगर ऐसा बोले कि 15 दिन में निपटा देंगे, वुड यू बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, वुड यू बी एबल टू प्रॉपरली फॉलो थिंग्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो वैसा ही है यहाँ पे, इनका 6 महीने का ट्रेनिंग भाई साहब 15 दिन में निपटा दिया गया। द पोस्ट ऑफ नाइट शिफ्ट वर्कर्स फॉर MIC प्लांट वॉज अबॉलिश्ड। तो नाइट शिफ्ट में चाहिए नहीं, क्योंकि नाइट शिफ्ट में अगर आप लोगों को रखोगे डबल पगार देनी पड़ती है, ठीक है। कोई भी नाइट में क्यों रहेगा जब तक आप उसको ज़्यादा पैसा नहीं देंगे। जो डे में जिसको जितना पैसा मिलता है, अगर नाइट वाले को भी उतना पैसा मिलेगा तो नाइट वाला बोलेगा मैं डे में जाऊँगा ना भाई साहब, क्यों अपना नींद खराब करूँ मैं, ठीक है।
तो अगर नाइट में आपको किसी को रखना है तो यू विल हैव टू पे मोर। इन्होंने भाई साहब नाइट शिफ्ट को नाइट शिफ्ट में पैसा बचाने के लिए पोस्ट ऑफ नाइट शिफ्ट वर्कर फॉर द MIC प्लांट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो प्लांट था उसके लिए भाई साहब बंद ही कर दिया, ठीक है। ओके, रीड द फॉलोइंग कंपैरिजन बिटवीन यूनियन कार्बाइड्स सेफ्टी सिस्टम इन भोपाल एंड इट्स प्लांट एंड द अदर प्लांट इन US। तो अभी आप देखो इसके जो फॉलोइंग एक कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। यूनियन कार्बाइड का एक फैक्ट्री आपका था भोपाल में इंडिया में और एक फैक्ट्री थी US में। अभी सेफ्टी मेजर्स का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स कंपेयर कि कैसे कंट्री में, भोपाल इंडिया एंड द अदर वन वॉज इन वेस्ट वर्जीनिया इन USA। वन प्लांट ऑफ यूनियन कार्बाइड वॉज लोकेटेड इन भोपाल, दैट वॉज इन इंडिया, एंड द अदर प्लांट वॉज लोकेटेड इन वेस्ट वर्जीनिया, दैट इज इन USA। अभी हम इनके काम करने के या सेफ्टी मेजर्स के तौर तरीकों में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस, इट हैड मैनुअल गेजेस एंड द ह्यूमन सेंसेस टू डिटेक्ट गैस लीक्स। मैनुअल गेजेस होते हैं, मतलब अगर गैस लीक हुआ रहेगा तो मतलब स्मेल आ रहा है ऐसे करके हम डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। दैट्स हाउ वी विल बेसिकली डिटेक्ट वेदर अ गैस लीक हैज हैपेंड और नॉट। आप अक्सर देखोगे कहां आ रहा है रे, दूसरा वाला बोलेगा कहां आ रहा है, तेरे को ही आ रहा होगा पता नहीं, ठीक है, ऐसा बोल के हम छोड़ देंगे। कोई सेफ्टी मेजर आपका होना चाहिए ना, कोई भाई साहब आपका एक डिवाइस होना चाहिए जो गैस लीक को डिटेक्ट करे, ठीक है। ओके, सो इट हैड मैनुअल गेजेस, इट हैड मैनुअल गेजेस एंड द ह्यूमन सेंसेस टू डिटेक्ट गैस लीक्स। इट हैड कंप्यूटराइज्ड वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। यहाँ पे भाई साहब कंप्यूटराइज्ड वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम था, प्रॉपर मशीन्स थे जहाँ पे अगर गैस लीक होता है तो पहले ही आ जाएगा, समझ में आ रहा है। ह्यूमन सेंसेस कैसे होते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ यार ठंडी लग रही है, तुमको शायद गर्मी लग रही होगी, है ना। अलग अलग लोगों के अलग अलग सेंसेस काम करते हैं भाई साहब, किसी को ठंडी लग रही है, किसी को गर्मी लग रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे धुआं होता है तो किसी की आंख से पानी आने लगेगा और कोई नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से ह्यूमन सेंसेस पे हम एक्सीडेंटल चीज़ों को पूरा पूरा बेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड ऐसा था, मतलब यहाँ पे ह्यूमन सेंसेस पे अगर किसी को स्मेल आ रहा है तो देखेंगे भाई साहब कुछ हो रहा है क्या ऐसा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर ऐसे सिस्टम्स थे, कंप्यूटराइज्ड वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम्स थे जिससे भाई साहब गैस लीक डिटेक्ट हो सकता है, ठीक है। इट डिड नॉट हैव एन इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान, ठीक है। इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान क्या होता है भाई साहब, अगर आपके बिल्डिंग में आग लगी रहेगी तो लोग कैसे उतरेंगे, लिफ्ट से नहीं उतर सकते, एक फायर बैल्कनी बनी रहती है, ठीक है। तो वो फायर बैल्कनी में लोग जाकर असेंबल हो जाएंगे, जो लोग टॉप फ्लोर वाले होंगे, नीचे वाले जो होंगे वो भाई साहब लिफ्ट से उतरेंगे, लिफ्ट से नहीं अपने स्टेयर केस से उतरेंगे। तो ये प्रॉपर प्लान होता है, इसको हम बोलते हैं इवैक्यूएशन प्लान। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी व्हाट वुड यू डू, दैट इज कॉल्ड द इवैक्यूएशन प्लान, ठीक है। तो ये इवैक्यूएशन प्लान भाई साहब था ही नहीं, कोई भी इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान था ही नहीं। बट ट्रेनिंग ही नहीं है तो क्या प्लान बनाओगे, ट्रेनिंग 6 महीने का तुम 15 दिन में निपटा रहे हो, क्या ही तुम इवैक्यूएशन प्लान बनाओगे, ठीक है। ओके, इट हैड इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान, तो मतलब इमरजेंसी अगर हो गई किसी कारणवश तो उसका प्लान क्या होगा, हाउ वुड वी डील विद इट, ठीक है। वन पार्ट ऑफ द आंसर लाइज इन वॉट इज परसीव्ड एज द वर्थ ऑफ एन इंडियन वर्कर, ठीक है। वन वर्कर कैन ईजिली रिप्लेस अदर। अभी भाई साहब इंडिया में इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कि भाई साहब एक वर्कर दूसरे वर्कर को ईजिली रिप्लेस करता है, ठीक है। तो इसीलिए लोग भाई साहब हाँ जो भी काम मिल रहा है कर लेते हैं, अगर मैंने नहीं किया तो कोई और आकर करेगा, कोई और आकर करेगा मतलब ये हमको निकाल देंगे, ऐसे इनसिक्योरिटी में सब लोग हैं, ठीक है। सो वन वर्कर कैन ईजिली रिप्लेस अदर। What are such sharp differences in safety standards across countries? ठीक है, why are there such sharp differences? तो ऐसा differences क्यों है safety norms में, दो countries में ऐसे differences क्यों है? And even after the disaster happened, why was the compensation to the victims so low? जब ये disaster हुआ भी तो जो compensation मिला victims को, ठीक है, बहुत कम था। किसी का भाई साहब कोई रिश्तेदार मारा गया है या कोई बहुत बुरी तरह से अपाहिज हो चुका है तो उसके लिए जो कॉम्पनसेशन ये यूनियन कार्बाइड के फैक्ट्री ने दिया बहुत कम था, इट वॉज वेरी लेस, ठीक है। सिंस देर इज सो मच अनएम्प्लॉयमेंट, देर आर मेनी वर्कर्स हु आर विलिंग टू वर्क इन अनसेफ कंडीशंस इन रिटर्न फॉर अ वेज। आज की तारीख में हमारे देश में पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि कोई भी इंसान काम करने को राजी है थोड़े बहुत पैसे के लिए, ठीक है। और मतलब तुम नहीं करोगे चलो निकलो तुम आ जाओ भाई साहब, ऐसे तुम्हारा जॉब लेने के लिए 100 लोग खड़े हैं, ठीक है, हंड्रेड ऑफ पीपल हु कैन बेसिकली टेक अप योर जॉब, ठीक है। सो ये बाहर के कंट्रीज को मालूम है, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड लेबर फॉर एनी जॉब इन इंडिया,
ठीक है, एंड यू विल फाइंड अ ह्यूज, इनफैक्ट आप किसको चूज करोगे ये आपके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है, लेबर कहां से आएगा ये प्रॉब्लम नहीं है, लेबर में से किसको चूज करना है वो आपके लिए प्रॉब्लम है, इतना सारा ऑप्शंस मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो सिंस देयर इज, तो इसमें क्या हो जाता है भाई साहब, मतलब कोई लेबर आया बोला कि मैं काम तो करूंगा लेकिन आपका जो फैक्ट्री है वो काफी अनसेफ लग रहा है मुझे काम करने के लिए, तो क्या बोलेंगे आप, निकल भाई साहब दूसरा रेडी है, ठीक है, दूसरा रेडी है भाई साहब, उसी पगार पे उसी फैक्ट्री में काम करने के लिए विदाउट एनी प्रोटेस्ट वो रेडी है, ठीक है। सो वी नो दैट इन इंडिया लेबर इज चीप एंड लेबर इज बेसिकली इंक्लाइंड टू वर्क इवन इफ द वर्क यूनिट इज हजार्डस और अनसेफ, ठीक है। तो ये भाई साहब है, इन रिटर्न फॉर अ वेज, ओके, मेकिंग यूज ऑफ द वर्कर्स वल्नरेबिलिटी एम्प्लॉयर्स इग्नोर सेफ्टी इन वर्क प्लेसेस, तो एम्प्लॉयर्स भाई साहब क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं सेफ्टी मेजर्स को, ठीक है, मेकिंग यूज ऑफ वर्कर्स वल्नरेबिलिटी। व्हाट डू वी मीन बाय वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी मतलब अरे भाई साहब काम नहीं मिलेगा क्या करेंगे, तो ये मजबूरी इसको हम बोलते हैं, मजबूरी है, ठीक है। एम्प्लॉयज इग्नोर सेफ्टी इन वर्क प्लेस, तो एम्प्लॉयज जो है भाई साहब दे सेफ्टी को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, दे इग्नोर सेफ्टी इन वर्क प्लेस। दस इवन सो मेनी इयर्स आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी देयर आर रेगुलर रिपोर्ट्स ऑफ एक्सीडेंट्स इन कंस्ट्रक्शन साइट्स, अगर आप देखोगे भाई साहब रेगुलर रिपोर्ट्स ऑफ एक्सीडेंट्स हैं कंस्ट्रक्शन साइट में, माइंस और फैक्ट्रीज ड्यू टू द कैलॉस एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयर्स, ठीक है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी होने के बावजूद भी आपके भाई साहब ऐसे रेगुलर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, माइंस में हो रहे हैं भाई साहब, कंस्ट्रक्शन साइट्स में हो रहे हैं, फैक्ट्रीज में हो रहे हैं, देयर आर रेगुलर इंसिडेंट्स ऑफ दीज थिंग्स हैपनिंग, ठीक है। एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉस, ठीक है, एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉस, एज द लॉ मेकर एंड एनफोर्सर द गवर्नमेंट इज सपोज टू एंश्योर दैट सेफ्टी लॉज आर इंप्लीमेंटेड, तो भाई साहब सेफ्टी लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट है, ठीक है। द राइट टू लाइफ गारंटी, तो गवर्नमेंट भाई साहब ये गारंटी करता है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट वायलेटेड, ठीक है। तो मतलब सेफ्टी लॉज, तो गवर्नमेंट का काम है कि सेफ्टी लॉज चेक करना इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रीज में, एंड द राइट टू लाइफ इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये देखना पड़ेगा कि किसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है वो वायलेट तो नहीं हो रहा, ठीक है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, अकॉर्डिंग टू भागवती जे आर्टिकल 21 एम्बॉडीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ सुप्रीम इंपॉर्टेंस इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। आयर जे हैज कैरेक्टराइज्ड आर्टिकल 21 एज द प्रोसीजरल मैग्ना कार्टा प्रोटेक्टिव ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है। द राइट हैज बीन हेल्ड टू बी द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द मोस्ट ऑर्गेनिक एंड प्रोग्रेसिव प्रोविजन इन आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन द फाउंडेशन ऑफ लॉज। आर्टिकल 21 कैन ओनली बी क्लेम्ड व्हेन अ पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी बाय द स्टेट एज डिफाइंड। वायलेशन ऑफ द राइट बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स इज नॉट विद इन द प्रीव्यू ऑफ द आर्टिकल 21। तो राइट टू लाइफ आपका भाई साहब गारंटीड है, ठीक है, आर्टिकल 21 के तहत। What was the government doing when there were such blatant violations of the safety standards in the Union Carbide plant? तो भाई साहब अगर Union Carbide plant में आपके safety measures से compromise हुआ है तो government क्या कर रही थी? What was government doing? Why had the government not inspected whether the Union Carbide plant was running as it should be? ठीक है? First, the safety laws were lax in India. ठीक है? तो आपके safety laws उतने strict नहीं थे। अगर सेफ्टी मेजर्स नहीं कोई फॉलो कर रहा है तो उस पर फाइन मारना, फैक्ट्री बंद करवा देना, इंडस्ट्रीज बंद करवा देना या उसको जेल में भिजवा देना उसके ओनर्स को, ये सब नहीं था। दे वर नॉट दैट स्ट्रिक्ट, ठीक है, नॉट दैट स्ट्रिक्ट। क्यों ये रीजन हो सकता है बता सकते हैं? व्हाई वर दे नॉट वेरी स्ट्रिक्ट? व्हाई वर द सेफ्टी नॉर्म्स नॉट वेरी स्ट्रिक्ट? सोचिए क्या रीजन हो सकता है। देखिए क्या इंडियन गवर्नमेंट सबको एम्प्लॉयमेंट दे पा रही है? नहीं, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, कोई फॉरेन कंट्री का प्लांट यहाँ पे अगर खुलता है तो वहाँ पे कम से कम एम्प्लॉयमेंट तो मिल रहा है, 400-500 लोगों को भाई साहब एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। इतने लोगों को काम दे पाएगी एक झटके में? गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी, तो इतने लोगों का घर चल रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है और ये सब प्लांट्स और फैक्ट्रीज को बंद करवा देती है तो ये 500,000 लोग कहाँ जाएंगे? तो दैट वॉज द थिंग। ठीक है, तो मतलब गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस बहुत कम है, बड़ा स्क्वीज डाउन है गवर्नमेंट। हम बोल सकते हैं बड़े आराम से कि भाई साहब गवर्नमेंट क्या कर रही थी, लेकिन गवर्नमेंट करे भी तो क्या करे, इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है कि गवर्नमेंट सबको जॉब नहीं दे सकता, गवर्नमेंट सबके लिए बिजनेस खोल कर नहीं दे सकता।
ठीक है। तो जो प्लांट्स आते हैं या जो फैक्ट्रीज आते हैं इंडिया में सेटअप होते हैं और उनमें भारी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, अगर बहुत स्ट्रिक्ट हो गई गवर्नमेंट, ठीक है, तो क्या इन लोग आएंगे नहीं फिर? और अगर इन लोग नहीं आएंगे तो गवर्नमेंट कहाँ से भाई साहब इतने लोगों को खिलाएगी पिलाएगी, ठीक है। सो ये एक रीजन है। सो दे वर नॉट सफिशियंटली स्ट्रिक्ट। सेकेंड, इवन दीज वीक सेफ्टी लॉज वेर नॉट एनफोर्स्ड। तो ये वीक सेफ्टी लॉज थे उस टाइम पे, दे वेर नॉट एनफोर्स्ड। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिफ्यूज टू रिकग्नाइज द प्लांट एज हजार्डस। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उन्होंने बोला कि भाई नहीं, हजार्डस तो नहीं है ये प्लांट, एंड अलाउड इट टू कम अप इन अ पॉपुलेटेड लोकैलिटी। एक्चुअली में जितने भी प्लांट्स हैं वो पॉपुलेटेड लोकैलिटी में नहीं होने चाहिए, रेजिडेंशियल प्लॉट्स में नहीं होने चाहिए, ठीक है। दे शुड बी ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन और ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, ठीक है, दे कैन नॉट बी लोकेटेड हियर। आप देखो कि आज की तारीख में बड़ा प्लान तरीके से होता है आपका, अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है वो थोड़ा सा बाहर होगा शहर के, ठीक है, वो शहर के अंदर ही नहीं हो सकता, ठीक है। सम म्यूनिसिपल ऑफिसर्स इन भोपाल ऑब्जेक्टेड दैट द इंस्टॉलेशन ऑफ एन MIC प्रोडक्शन यूनिट इन 1978 वॉज अ सेफ्टी वायलेशन। तो कुछ जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने बोला कि भाई साहब ये जो MIC प्लांट प्रोडक्शन यूनिट है वेर इन मिथाइल आइसोसाइनाइड इज बींग प्रोड्यूस्ड एंड द प्लांट इज राइट इन द सेंटर ऑफ द सिटी ऑफ भोपाल, ये भाई साहब एक वायलेशन है, सेफ्टी वायलेशन है, सबकी जान को खतरा है। द पोजिशन ऑफ गवर्नमेंट वॉज दैट द स्टेट नीड्स कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट ऑफ द भोपाल प्लांट विच प्रोवाइड्स जॉब्स। जैसा मैंने आपको बोला भाई साहब, गवर्नमेंट क्या करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट देख रही है कि भाई साहब हम इतने लोगों का घर चल रहा है, हमको दिख रहा है, जब हम बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और इस प्लांट को बंद करवा देंगे इतने लोग कहाँ जाएंगे, वो एक और मुसीबत हो जाएगी तभी, ठीक है। सो गवर्नमेंट वॉज नॉट दैट स्ट्रिक्ट, थोड़ा गवर्नमेंट ने कॉम्प्रोमाइज किया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कॉम्प्रोमाइज किया और यह हादसा घटा, ठीक है, विच प्रोवाइड्स जॉब्स। इट वॉज अनथिंकेबल अकॉर्डिंग टू देम टू आस्क यूनियन कार्बाइड टू शिफ्ट टू क्लीनर टेक्नोलॉजी और सेफर प्रोसीजर्स। तो ये सोच ही नहीं सकते थे कि यूनियन कार्बाइड को भाई साहब क्लीनर टेक्नोलॉजी और सेफर प्रोसीजर्स के लिए भाई साहब प्रेरित किया जाए, ठीक है। Enforcement of safety laws, ठीक है, गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स कंटिन्यू टू अप्रूव द प्रोसीजर्स इन द प्लांट। तो जो भी गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स थे वो आते थे और वो साइन करके चले जाते थे। दे कंटिन्यू टू अप्रूव ऑल द प्रोसीजर्स दैट वेयर अंडरटेकन इन द यूनियन कार्बाइड प्लांट, ठीक है, सारे प्रोसीजर्स को वो अप्रूव करते गए, ठीक है। बट रिपीटेड इंसिडेंट्स ऑफ लीक्स फ्रॉम द प्लांट मेड इट ऑब्वियस टू एवरीबडी दैट थिंग्स वेर सीरियसली रॉन्ग। लेकिन बार बार ऐसा लीकेजेस होता था उस प्लांट से, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो भाई साहब गड़बड़ है, ठीक है, तो मतलब प्रॉपरली इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है। देयर वर रिपीटेड लीकेजेस दैट हैपेंड। दिस एज यू नो इज कॉन्ट्रेरी टू व्हाट द रोल ऑफ अ लॉ मेकिंग एंड एनफोर्समेंट एजेंसी शुड बी, ठीक है। तो लॉ मेकिंग और एनफोर्सिंग एजेंसी को ऐसा ढीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल देयर सेफ्टी वॉज बींग डिसरिगार्डेड बोथ बाई गवर्नमेंट एंड बाई प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, पीपल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, उससे ज्यादा क्या था भाई साहब, देयर सेफ्टी वॉज बींग डिसरिगार्डेड, इनके सेफ्टी को पूरा पूरा डिसरिगार्ड किया जा रहा था बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द प्राइवेट कंपनीज। गवर्नमेंट भी और प्राइवेट कंपनीज ये सब इनको इग्नोर कर रहे थे, दे वर बेसिकली गेटिंग इग्नोर। दिस इज ऑब्वियसली नॉट एट ऑल डिजायरेबल। तो ये भाई साहब डिजायरेबल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी को तो भाई साहब आकर इसको रोकना पड़ेगा, ठीक है। मोर इंडस्ट्रीज वेर बींग सेटअप इन इंडिया, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज भाई साहब सेटअप हो रहे थे बोथ बाई लोकल एंड फॉरन बिजनेसेस। तो लोकल जो लोग थे मतलब यहाँ के लोग, वो भी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज सेटअप कर रहे थे, और बाहर के लोग भी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज धनाधन सेटअप कर रहे थे, ठीक है। तो ये तो कार्यक्रम चल ही रहा था। देर इज अ ग्रेट नीड फॉर स्ट्रॉन्गर लॉज प्रोटेक्टिंग वर्कर्स राइट्स एंड बेटर एनफोर्समेंट ऑफ दीज लॉज। तो बहुत जरूरी है कि क्योंकि इंडस्ट्रीज बढ़ रहे हैं, फैक्ट्रीज बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वर्कर का डिमांड भी बढ़ेगा, ठीक है, वर्कर्स विल बी मोर इन डिमांड, बट इन वर्कर्स की लाइफ भी रिस्क पे है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रॉपर लॉज बनाएं जिसके चलते इन वर्कर्स पर कोई शोषण ना हो, इन वर्कर्स का कोई सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्रॉपर लॉज बी फ्रेम्ड सो दैट द सेफ्टी ऑफ दीज वर्कर्स इज नॉट कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। Recently, a large travel agency was asked to pay 8 lakh as compensation to a group of tourists. Their foreign trip was poorly managed and they missed Disneyland and shopping in Paris. तो कोई भाई साहब टूरिस्ट एजेंसी था, ठीक है, और मतलब वर्ल्ड टूर कराता था, और इन लोगों ने भाई साहब टूरिस्ट लोगों को क्या किया भाई साहब, they didn't, उन्होंने प्रॉमिस किया था डिज्नीलैंड दिखाने का,
और पेरिस में शॉपिंग करवाने के लिए, ठीक है, ये दोनों चीजें उनके उसमें थी, ठीक है, शॉपिंग जो आपका पैकेज होता है उसमें था, और इन्होंने नहीं करवाया, तो हर एक टूरिस्ट को इनको 8 लाख रुपए देने पड़े एज अ कॉम्पनसेशन, ठीक है, एक जस्टिस सिस्टम में, ठीक है। रिसेंटली एक ट्रैवल एजेंसी को भाई साहब 8 लाख एज कॉम्पनसेशन टू अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट, देयर फॉरन ट्रिप वॉज पुअरली मैनेज, बेकार तरीके से मैनेज हुआ, एंड दे मिस्ड आउट ऑन विजिटिंग डिज्नीलैंड एंड शॉपिंग इन पेरिस एज वेल, ठीक है। Why did the victims of Bhopal gas tragedy then get so little for a lifetime misery and pain? तो इसका मतलब अगर इतना एक क्योंकि उनको डिज्नीलैंड नहीं दिखाया है और क्योंकि उनको पेरिस में शॉपिंग नहीं कराई है, इसके लिए उनको 8 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो भोपाल गैस ट्रेजिडी जहाँ पे भाई साहब लोगों ने अपनी जानों को खोया है, ठीक है, पीपल हैव लॉस्ट देयर किड्स, देयर रिलेटिव्स, देयर फ्रेंड्स, ठीक है, एंड दे हैव बिकम मोर और लेस हैंडीकैप, व्हाई वेर दे पेड सो लेस, इतना कम कॉम्पनसेशन क्यों? पंप्स एट कंटेमिनेटेड वेल्स वेयर पेंटेड रेड बाय द गवर्नमेंट अराउंड द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री इन भोपाल। तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जो भाई साहब था उसके आजू बाजू जितने भी वाटर पंप्स थे उनको रेड पेंट कर दिया गया था, यहां से पानी निकाल के एटलीस्ट पिए मत, ठीक है, यहां से पानी निकाल के गाड़ी उड़ी धोना है, दुकान उकान धोना है धोजिए, लेकिन पिए मत, ठीक है। पंप्स वेयर and contaminated walls were painted red by the government around the Union Carbide plant. Yet local people continue to use them as they have no other accessible source of clean water. लेकिन जो local लोग हैं वो उसको continuously use कर रहे हैं क्योंकि उनके पास भाई साहब कोई accessible source of clean water है ही नहीं, ठीक है। New laws to protect the environment. Okay, so now there will be new laws. अभी हमारा environmental जो protection है वो बहुत important होता जा रहा है, ठीक है। In 1984, there were very few laws protecting the environment in India. 1984 में हम जैसे अगर मैं आपको बोलूँ सिंपल एग्जाम्पल अगर आपको दूँ तो हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो शायद कहीं पे environment का जिक्र हुआ रहेगा, लेकिन अगर आपका कोर्स करिकुलम में देखता हूँ क्या ही स्टेट बोर्ड, क्या ही CBSE और क्या ही ICSE, लगभग हर क्लास में, हर बुक में environment related अवेयरनेस है ना। साइंस में भी आपके एनवायरनमेंट रिलेटेड चैप्टर्स होंगे, ज्योग्राफी में भी आपके एनवायरनमेंट रिलेटेड चैप्टर्स होंगे, और पता नहीं कहाँ कहाँ एनवायरनमेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे, ठीक है। सो दिस इज देयर, सो व्हाट, तो ये हमारा नहीं था, हमारा कहीं इक्का दुक्का कहीं पे एनवायरनमेंट के बारे में कुछ लिखा रहेगा क्योंकि हमारे टाइम पे एनवायरनमेंट उतना बड़ा कंसर्न नहीं था, बट नाउ इट हैज बिकम अ बिग कंसर्न बिकॉज ऑफ विच फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड टू मेक यू अवेयर ऑफ द डिजास्टर्स दैट वी आर कॉजिंग टू द एनवायरनमेंट and what will be its consequences or repercussions, okay? Okay, there was hardly any enforcement of these laws. In laws ka bhai sahab koi enforcement nahi tha, okay? The environment was treated as free entity and any industry could pollute the air and water without any restrictions. So environment bhai sahab ek free entity thi, sab log bhai sahab isko dhamadham use kar sakte hain, okay? Environment was treated as a free entity and any industry could pollute the air and water without any restrictions. तो कोई भी इंडस्ट्री भाई साहब एयर और वाटर को पोल्यूट कर सकती थी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट पीपल,
ओके सो द एनवायरमेंट वाज ट्रीटेड एज फ्री एंटिटी, मतलब एनवायरमेंट वैसा फ्री है, कोई भी कुछ भी छोड़ सकता है, पॉइजनस गैसेस छोड़ना है छोड़ दो भाई साहब, बहते हुए पानी में भाई साहब आपका पोल्यूटेंट छोड़ना है छोड़ दो भाई साहब, कोई रोक टोक नहीं, ठीक है। एंड एनी इंडस्ट्री कुड पोल्यूट द एयर एंड वाटर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी कुछ भी कर सकता था। जैसे मैंने आपको बोला भाई साहब, ये एनवायरमेंट रिलेटेड जो आपका कॉन्शियसनेस है, ये हमारे इंडिया में बहुत दिनों बाद आया, ठीक है, जब डैमेज वॉज ऑलरेडी डन, ठीक है, लॉट ऑफ डैमेज हैड ऑलरेडी बीन डन बाई देन, तो काफ़ी सारा डैमेज ऑलरेडी हो चुका था, तब जाकर भाई साहब ये हमारी कंट्री में आया। ओके 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 देयर वॉज हार्डली एनी एनफोर्समेंट ऑन दीज लॉज, whether it was our rivers being polluted and the health of people disregarded, ठीक है, तो आपके health जो हमारा constantly impact हो रहा था because of this uncontrolled management of environment और uncontrolled way of pollution, ठीक है, उस पर किसी को पड़ा नहीं था, मतलब कोई इसके बारे में सोच भी नहीं आया था, ठीक है, तो whether it was our air being polluted and the health of the people disregarded, ठीक है, तो ये ऐसा चल रहा था भाई साहब, ठीक है, ये there was no measures that were taken basically, ठीक है, to curb this, the environment was being polluted and the health of people disregarded, तो लोगों का health disregard हो रहा था, environment खचा खच pollute हो रहा था, किसी को कुछ पड़ा नहीं था, ठीक है, सब अपना भाई साहब dump जो है तो waste कर रहे थे, सब अपना waste जो है तो यहाँ पे इस environment में dumping कर रहे थे। यूनियन कार्बाइड वॉज नॉट ओनली अ बेनिफिशियरी ऑफ लोअर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो लोअर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो थे, तो यूनियन कार्बाइड ने भाई साहब क्या क्या इस चीज का फायदा उठाया कि इंडिया में कोई सेफ्टी मेजर्स के ऊपर बहुत सख्त लॉज नहीं है, कोई भाई साहब कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है अगर हम इनको ना माने, तो यूनियन कार्बाइड ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। लेकिन सिर्फ यूनियन कार्बाइड नहीं, बहुत सारे तमाम कंपनियों ने उस टाइम पे कॉम्प्रोमाइज किया, हाँ उनके वहां पे कोई मेजर एक्सीडेंट्स नहीं हुए, ठीक है, ये लकीली नहीं हुए, लेकिन सबने कॉम्प्रोमाइज किया, ठीक है, सो एवरीबडी कॉम्प्रोमाइज्ड हियर, बट आल्सो इट डिडंट हैव टू स्पेंड एनी मनी टू क्लीन अप द पोल्यूशन। तो भाई साहब यूनियन कार्बाइड ने जो हादसा हुआ वो तो हुआ, लेकिन धड़ाधड़ यूनियन कार्बाइड एज वेल एज अदर फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज वेयर पोल्यूटिंग द एयर विदाउट एनी कंट्रोल ऑन इट, ठीक है, विदाउट एनी कंट्रोल ऑन इट, देयर वॉज एब्सोल्युटली नो कंट्रोल आउट देयर, ठीक है। इन यूएसए दिस इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, अगर आप यूएसए में जाओगे या कोई डेवलप कंट्री में जाओगे तो वहां पे इट्स अ पार्ट ऑफ द नेसेसरी प्रोसेस, कभी भी कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री अगर आप सेटअप करोगे तो इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस टू इंश्योर दैट यू आर नॉट पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट, ठीक है, यू आर नॉट पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट। द भोपाल डिजास्टर ब्रॉट द इशू ऑफ एनवायरमेंट टू द फोरफ्रंट, तो भाई साहब एनवायरमेंट का जो इशू था वो भाई साहब ऊपर आ गया। Several thousands of persons who were not associated with the factory in any way were greatly affected because of the poisonous gases leaked from the plant. तो आप देखो बच्चों की कैसे मौतें हुई, ठीक है, ऐसे लाशों के ढेर बिछ गए थे, 8,000 लोग 3 दिन में मारे गए, ठीक है, and mostly they were kids, they were not able to basically respire and breathe and choke up and die, ठीक है, so that's what happened, ठीक है। Several thousands of persons, जो लोग भाई साहब फैक्ट्री में काम भी नहीं करते थे, फैक्ट्री से जिनका कोई लेना देना नहीं था, वो भी इस चपेट में आ गए, ठीक है, और इसका भुगतान करते रहे, ठीक है, दैट वॉज द ह्यूज लॉस दैट एवरीबडी हैड टू गो। दिस मेड पीपल रियलाइज दैट द एग्जिस्टिंग लॉस दो वीक, ठीक है ओनली कवर द इंडिविजुअल वर्कर, ठीक है, ओनली कवर द इंडिविजुअल वर्कर एंड नॉट पर्सन्स हु माइट बी इंजर्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियल हजार्ड्स, ठीक है। सो आपका भाई साहब इन रिस्पॉन्स टू दिस प्रेशर फ्रॉम एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट एंड अदर्स इन द ईयर्स फॉलोइंग द भोपाल गैस ट्रेजेडी द इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड न्यू लॉज ऑन द एनवायरमेंट, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद भाई साहब इंडियन गवर्नमेंट ने नए लॉज लाए एनवायरमेंट रिलेटेड, ठीक है, ताकि सब इससे बेनिफिट हो पाए, ठीक है। हेंसफोर्थ द पोल्यूटर वाज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द डैमेज डन टू एनवायरमेंट, अगर किसी ने भी भाई साहब एयर में पोल्यूशन किया, वाटर में पोल्यूशन किया, सॉइल में पोल्यूशन किया, किसी भी तरीके से कोई भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री ने पोल्यूशन किया, दे वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, दे विल हैव टू पे अ हेफ्टी फाइन और मे बी दे विल बी गिवन अ जेल टर्म टू सर्व, ठीक है। सो ये सारे चीजें होने लगी भाई साहब। द एनवायरमेंट इज नॉट समथिंग दैट पीपल ओवर जनरेशन विल शेयर एंड इट कुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड मेयरली फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो भाई साहब एनवायरमेंट एक ऐसा चीज है जो हम हमारे आगे की जनरेशन, उनके आगे की जनरेशन, सब लोग भाई साहब उस एनवायरमेंट को शेयर करेंगे, है ना, सो वी कैन नॉट जस्ट डिस्ट्रॉय इट बिकॉज सम इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज नीड टू बी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, सो हम इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते एनवायरमेंट को।
The courts also gave a number of judgments upholding the right to a healthy environment as intrinsic to the fundamental right to life. ठीक है, तो ये fundamental right to life court ने declare कर दिया कि भाई साहब कोई भी environment को damage नहीं कर सकता है किसी भी कीमत पर. ठीक है, nobody can basically destroy the environment. In Subhash Kumar versus State of Bihar 1991, the Supreme Court held that the right to life is a fundamental right under Article 21 of the Constitution. तो Article 21 में right to life is a fundamental life. Right मतलब क्या है कि आप अपने जीवन के लिए लड़ सकते हैं. ठीक है, आपका जीवन भाई साहब प्रदूषण से खराब हो रहा है, कोई अपने फायदे के लिए भाई साहब नो एयर में या वाटर में या लैंड में पोल्यूशन फैला रहा है, लेकिन उससे आपका जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है. यू हैव द राइट टू लाइफ एंड यू हैव द राइट टू प्रोटेस्ट एज वेल. ठीक है, इट इंक्लूड्स द राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर फॉर फुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ. तो एयर और वाटर जो है तो पोल्यूशन फ्री होना चाहिए. The government is responsible for setting up laws and procedures that can check pollution, clean rivers and introduce heavy fines for those who pollute. तो government इस तरह के नियम कानून ला सकती है जहां पे भाई साहब अगर कोई pollution कर रहा होगा air का, water का या land का, तो उस पर भारी भरकम fine लग जावे. ठीक है, environment as a public facility. So environment as a public facility, in recent years, while the courts have come up with strong orders on environmental issues, the courts have come up with strong orders. These strong orders have sometimes affected people's livelihoods adversely. So ye bhai sahab logo ke livelihoods ko adversely affect karta hai. Theek hai, these strong orders affect their livelihood adversely. So for instance, the courts directed industries in residential areas. To aapka bhai sahab court ne kya kiya, they directed the industries in residential areas in Delhi to close down or shift out of the city. So courts ne bhai sahab ye farman jari kiya jo industrial areas se Delhi mein to move out from the city, to move out from the city. Theek hai, discharge from these industries was polluting the river Yamuna because they had been set up without following the rules. तो ये जो भाई साहब आपका डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, ये पॉइजनस केमिकल्स भाई साहब किस में जा रहे हैं, रिवर यमुना में जा रहे हैं जो दिल्ली से फ्लो हो रहा था. इट इज गोइंग टू पल्यूट बिकॉज दिस इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई. ठीक है, सेवरल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज वर पल्यूटिंग द नेबरहुड एज वेल, बट वाइल द कोर्ट्स एक्शन सॉल्व वन प्रॉब्लम इट क्रिएटेड अनदर. कि चलिए फैक्ट्रीज बंद हो गया, इंडस्ट्रीज बंद हो गया जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो भाई साहब लोग अनएम्प्लॉयड हो गए उनका क्या करें. ठीक है, वेयर वुड दे नाउ गेट अ जॉब विच वुड मीट देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स. बिकॉज ऑफ द क्लोजर मेनी वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, अदर्स वर फोर्स्ड टू गो फार अवे प्लेसेस वेयर दीज फैक्ट्रीज हैड रिलोकेटेड. तो जो लोगों को रिलोकेशन जम रहा था वो रिलोकेट कर रहे थे, लेकिन जो लोगों को नहीं जम रहा था सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां जाने का, वो लोग नहीं आ पाए. ठीक है, द सेम प्रॉब्लम नाउ बिगैन टू कम अप इन दीज एरियाज, फॉर नाउ दीज प्लेसेस बिकेम पोल्यूटेड. तो जब लोग छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे तो जहां पे इंडस्ट्री सेटअप हुआ है वहां पे तो पोल्यूशन होने लगा. वही सेम चीज, चलो दिल्ली से पोल्यूशन चला गया लेकिन दूसरी जगह पे पोल्यूशन होने लगा. ठीक है, तो सेम थिंग एनकाउंटर्ड. द इश्यू ऑफ द सेफ्टी कंडीशंस ऑफ वर्कर्स रिमेन्ड अनएड्रेस्ड, मतलब ये सुधरा नहीं. ठीक है, रिसेंट रिसर्च ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया हैज हाईलाइटेड द फैक्ट दैट द ग्रोइंग कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट अमंग द मिडिल क्लासेस इज ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ द पुअर. तो मिडिल क्लास वाले लोग एनवायरमेंटल कंसर्न्स को रेस कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा करके पुअर लोग एनवायरमेंटल कंसर्न्स को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उनके टेबल पे खाना हो. ठीक है, उनके लिए बेसिक एक्सपेंसेस मीटअप करना ही एक चैलेंज हो रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल, स्लम्स नीड टू बी क्लीन एज अ पार्ट ऑफ सिटीज ब्यूटिफिकेशन ड्राइव. तो स्लम्स जो है वो क्लीन होने चाहिए. ठीक है, लेकिन क्या हम क्लीन कर पा रहे हैं, इनको लेकर कहां जाए. As in the case above, a polluting factory is moved to the outskirts of the city. And while this awareness of the need for a clean environment is increasing, okay, there is little concern for the safety of the workers themselves. The challenge is to look for solutions where everyone can benefit from a clean environment. So, aisa ek solution dhoondna hai ki bhai sahab sabko fayda ho, okay, clean environment se. Everybody basically benefits, okay. One way this can be done to gradually move to cleaner technologies, processes in factories, the government has to encourage and support factories to do this. It will need to fine those who pollute. This will ensure that the workers' livelihoods are protected. Both workers and communities living around the factories enjoy a safe environment. Emissions from vehicles
आर अ मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन. तो आपके जो एमिशंस होते हैं व्हीकल से, ठीक है, दे आर अ मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन. ठीक है, जस्ट वन मोमेंट पीपल.